प्रभारी समीर पाटीदार एवं स्टाफ ने चेकिंग के दौरान महिंद्रा एक्सयूवी से अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करते हुए आरोपी संजय को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14 प्लास्टिक की थैलियों में कुल 2 क्विंटल 70 किलोग्राम डोडा चूरा मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी संजय ने बताया कि आरोपी मंदसौर व आसपास के जिलों से मादक पदार्थ एकत्रित कर राजस्थान व महाराष्ट्र में उसकी तस्करी करता है। लगातार हमारे जिले के कप्तान एसपी साहब द्वारा हमें निर्देशित किया जाता रहा है कि हम जो अवैध रूप से जो गतिविधियां हैं उसको स्टॉप करें, और उसी के चलते जो थाना प्रभारी हैं धामनोद, उनके द्वारा एक चेकिंग हमारे लगाई गई थी हमारे एरिया में, और उसी में एक सूचना प्राप्त हुई कि XUV 500 जो कि MH पासिंग है, उसमें बड़ी मात्रा में डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है। सूचना प्राप्त होने के बाद में चेकिंग और अच्छे से की गई, जिसके तहत गाड़ी को जब चेक किया गया, रोका गया, तो उसमें 2 क्विंटल 70 किलोग्राम डोडा चूरा मिला, जो कि फिर पुलिस ने जब्त करके आगे कार्रवाई की है। कुल 13,40,000 रुपये का मशरूम जब्त किया है।